नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्योति आज आपके लिए लाए हूँ कद्दू के छिलकों की चटनी। बहुत कोई होते हैं कि कद्दू के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी स्वादिष्ट चटनी बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके छिलकों को उतार लेंगे। तो दोस्तों, आपको जितनी चटनी बनानी हो आप उतनी छिलकों को उतार सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़े से ही उतारूंगी, बाकी की मैं सब्जी बना लूंगी। तो दोस्तों, अब हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए उबालना पड़ेगा। तो चलिए इन्हें उबालने के लिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पानी पहले से चढ़ा रखा था और ये पानी में उबाल भी आ चुका है। तो अब मैं इन छिलकों को इसमें डाल देती हूँ। इसे ढक देते हैं। तो दोस्तों, इसे उबलने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये उबला या नहीं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हमारा ये उबला या नहीं। तो दोस्तों, ये उबल चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, अब इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, तब मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये लहसुन डालेंगे, ये अदरक डालेंगे, ये हरी मिर्च डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उतनी हरी मिर्च डालेंगे। तो मैं 2 डाल रही हूँ और ये मैं अचार के छिलके डाल रही हूँ स्वाद के लिए। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ये नींबू भी काट के डाल सकती हैं। और ये देखिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और ये दोस्तों देखिए, धनिया है। अगर आप इस चटनी के स्वाद को ज़्यादा बढ़ाना चाहती हो तो ये धनिया भी डाल सकती है, नहीं तो नहीं भी डाल सकती है। तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ स्वाद को बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों, अब इसको हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, और ऊपर से पकड़ लेंगे वरना ढक्कन खुल सकता है। जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चटनी बन चुकी है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों चटनी बनकर तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों कद्दू के छिलकों की चटनी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको पहुंचती रहे। धन्यवाद।